हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और इस वीडियो में हम लोग स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशंस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मोल्स मैग्नीशियम सल्फेट गिवन है। वी हैव टू फाइंड आउट द मास। सो याद रखिए कि मैग्नीशियम सल्फेट दिस इज़ एन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आयोनिक है। सल्फेट आयन माइनस 2 और मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 चार्ज, हिंस दिस इज़ आयोनिक। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है 2, और सल्फेट आयन जो है तो उसको गेन करता है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जो है कि हम इसका मॉलिकुलर मास कंसिडर नहीं करेंगे। मॉलिकुलर मास हम कंसिडर करते हैं किसके लिए, फॉर मॉलिक्यूल्स। लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट जो है दैट इज़ आयोनिक इन नेचर, तो इसमें हम मॉलिकुलर मास की जगह पे क्या चीज़ कंसिडर करेंगे, वी विल कंसिडर इट्स फॉर्मूला यूनिट। सो हमारे पास एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला और मोल ऑफ अ सब्सटेंस। इज इक्वल टू मास ऑफ द आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक सब्सटेंस डिवाइड बाय फॉर्मूला मास ऑफ द आयोनिक सब्सटेंस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फार्मूला मास फॉर मैग्नीशियम सल्फेट। फार्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, एज वी नो दैट द एटॉमिक मास फॉर मैग्नीशियम इज 24, फॉर सल्फर 32, और ऑक्सीजन जो है दैट इज 16। तो अब इसके लिए हम फार्मूला मास ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नीशियम की जगह पे हम लिखेंगे 24, सल्फर की जगह पे हम लिखेंगे 32, और ऑक्सीजन जो है दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 16। तो इन सब को जब हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फार्मूला मास आ जाएगा दैट इज़ 120 ग्राम पर मोल। अब देखिए हमारे पास जो मोल्स हैं या मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस या नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास जो है ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है दैट इज 10^-3। तो इस फार्मूले के अंदर इसको पुट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 10^-3, और मास जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, मास ऑफ आयोनिक सब्सटेंस। और जो फार्मूला मास है मैग्नीशियम सल्फेट के लिए दैट इज 120 ग्राम पर मोल। सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे मास ऑफ आयोनिक सब्सटेंस इज इक्वल टू 10^-3 मल्टीप्लाई बाय 120 ग्राम पर मोल। तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.12 ग्राम। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, दिस इज़ द मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। फॉर मोर वीडियोज़ स्टे कनेक्टेड विथ आई एम केमिस्ट।